गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी विषय में पढ़ेंगे लेसन टू, स्वतंत्रता दिवस। भारत में अनेक धार्मिक पर्व मनाए जाते हैं। पर्व मीन्स त्यौहार, है ना। भारत में अनेक धार्मिक पर्व मनाए जाते हैं, जैसे दशहरा, दीपावली, होली, ईद, बड़ा दिन आदि। इन त्योहारों की हम बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं। सभी बच्चे या बड़े अपने त्योहार का बहुत ही उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं। लेकिन कुछ त्योहार ऐसे हैं जिनका नाम लेते ही हमारा हृदय एक ऐसे आनंद से भर उठता है जो हमें किसी और पर्व में नहीं मिलता, है ना। कुछ ऐसे त्योहार हैं जो जिसको हम लोग याद करते हैं तो हमारा हृदय, हमारा मन बहुत ही खुश हो उठता है और आनंद से भर जाता है। और वो पर्व हैं स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती, है ना। इनको हम लोग जब याद करते हैं तो हमारा हृदय बहुत ही खुश हो जाता है। और ये पर्व राष्ट्र पर्व हैं। ये तीनों कौन से पर्व हैं? राष्ट्र पर्व हैं, राष्ट्र त्यौहार हैं। पूरे देश में सभी धर्मों के लोग एक साथ इन पर्वों को मनाते हैं। इन त्योहार को सभी धर्मों के लोग मनाते हैं मिलजुल कर साथ में। 15 अगस्त का दिन भारत की स्वतंत्रता का दिन है, है ना। 15 अगस्त के दिन हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था। यह दिन भारत में राष्ट्र पर्व के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त का दिन को हम लोग राष्ट्र पर्व के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश ने सदियों की गुलामी के बाद अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। जब हमारा देश गुलाम था किसके? अंग्रेजों के, है ना। तो इसी दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। यह दिन हमें एक लंबे संघर्ष व लाखों के बलिदान के बाद प्राप्त हुआ। आज़ादी कैसे प्राप्त हुई हम लोगों को? बहुत ही संघर्ष करना पड़ा था और बहुत सारे लोगों ने, लाखों लोगों ने बलिदान दिए थे अपने, है ना। तो उसके बाद ही हम लोगों को स्वतंत्रता मिली थी। यह दिन देश के लिए सर्वाधिक गरिमा और उल्लास का दिन है। यह दिन क्या के लिए? हमारे देश के लिए बहुत ही क्या है, गरिमा का दिन है, गौरव का दिन है और उल्लास का दिन है। 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किले पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया था। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराए थे, तिरंगा झंडा, है ना। यह तिरंगा ही भारत की स्वतंत्रता व अखंडता का प्रतीक है। यह तिरंगा क्या है? हमारे भारत की स्वतंत्रता व अखंडता का प्रतीक है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे का हम लोग अगले दिन देखेंगे। थैंक यू।